सुप्रीम कोर्ट द्वारा वकीलों की हड़ताल को असंवैधानिक करार देने पर वकीलों में रोष। कलेक्टर कई जनप्रतिनिधियों को दिया ज्ञापन, 1 अक्टूबर से करेंगे उग्र आंदोलन। पिछले माह सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने कृष्णकांत बनाम स्टेट ऑफ एमपीए के अंदर क्रिमिनल अपील के अंदर एक निर्णय लिया था, जिसमें वकीलों के हड़ताल करने को लेकर असंवैधानिक करार दिया था, जिसमें देश भर के वकीलों में रोष व्याप्त थे। और आज अजमेर जिला बार एसोसिएशन द्वारा भी कलेक्टर को और अन्य जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया गया। इनका कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस काले कानून को वापस नहीं लेगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा और 1 अक्टूबर से उग्र आंदोलन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया भी, कृष्णकांत तामरा ताम्रकार बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, उसमें कहा कि साहब एडवोकेट्स जो स्ट्राइक करते हैं, वर्क सस्पेंड करते हैं या अदालतों में अनुपस्थित रहते हैं, ये इलीगल है। उसके खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आह्वान किया है सभी बार काउंसिल ऑफ स्टेट्स को कि इसमें एडवोकेट्स को कहें कि जनरल हाउस की मीटिंग करें और इस बारे में विरोध प्रकट करते हुए ज्ञापन जिला कलेक्टर को दें। तो इसलिए जिला कलेक्टर महोदय को हम विरोध स्वरूप ज्ञापन देने के लिए आए हैं, क्योंकि ये एडवोकेट्स के फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनका हनन है, मौलिक अधिकारों का हनन होने के कारण जो है ये साधारण सभा में प्रस्ताव लेकर के और इसका ज्ञापन हम जिला कलेक्टर को देने के लिए आए हैं, वो दिया गया। बार काउंसिल ऑफ बार एसोसिएशन, बार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सब ने एक निर्णय लिया था कि अभी पिछले माह सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने कृष्णकांत बनाम स्टेट ऑफ एमपी के अंदर क्रिमिनल अपील के अंदर एक निर्णय लिया, जिसमें वकीलों को हड़ताल पे जाने को असंवैधानिक करार दिया। उसके विरोध में आज देशव्यापी पूरे राजस्थान बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरह एक आंदोलन की रूपरेखा बनाई गई है और एक आंदोलन की शुरुआत की गई है। ये हमारे वकीलों के स्वाभिमान पे कुठाराघात है, लोकतंत्र के अधिकारों के विरुद्ध है और हम हमारे स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेंगे और हम इस कानून को, जो काला कानून बनाया सुप्रीम कोर्ट ने, उसको वापस लेने की मांग करते हैं और कड़े शब्दों में उनकी निंदा करते हैं। दूसरा, एमपी के अंदर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया है, हमारी भी यही मांग है मुख्यमंत्री से कि राजस्थान के अंदर भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, उसके लिए तुरंत एक विधेयक पास किया जाए, उसके लिए ये भी हमने एक मांग पत्र सौंपा है। और साथ ही हमने डीजे साहब, राष्ट्रपति महोदय, मुख्यमंत्री जी और समस्त जनप्रतिनिधियों को एक एक ज्ञापन प्रेषित किया है और ये हमारी लड़ाई है और हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है और हम ये 1 अक्टूबर से ऑल इंडिया के अंदर ये आंदोलन उग्र किया जाएगा और समस्त बार एसोसिएशन, समस्त डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पे 1 अक्टूबर से ये आंदोलन को उग्र किया जाएगा, जब तक ये काला कानून सुप्रीम कोर्ट वापस नहीं लेगी। अजय त्रिपाठी, अध्यक्ष बार जिला बार एसोसिएशन। कुल मिला के ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो आदेश दिया है, मतलब एक तरह से वकीलों के अधिकारों का हनन है। ये काफ़ी समय से, बहुत समय से ये जुडिशरी और वकालत वकीलों को लेके ये लड़ाई चल रही है, छुपी भी थी, दबी भी थी, लेकिन अब वो इस तरह से उग्र हो गई कि वो वकीलों के अधिकारों का हनन करने पे आ गए। हमारी जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान बनी हुई है, उनके कुछ संवैधानिक उनको मूल अधिकार एडवोकेट एक्ट में दिए गए हैं, उन एडवोकेट एक्ट के अगेंस्ट में जाके, जैसे एक तो ये कि अगर कोई किसी वकील की अगर कोई शिकायत होती है तो उसका निर्धारण बार एसोसिएशन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, अगर राजस्थान में हुई है तो वो करते हैं। इसको अब ये लोग चेंज करें कि इसका निर्धारण वो समिति बनाएंगे, वो इस तरह से निर्धारण करेंगे। इसके अलावा अगर वकील किसी उसमें हड़ताल करते हैं या किसी अपनी आवाज़ को उठाते हैं तो उनको आवाज़ उठाने से रोका जाएगा कि भाई कोई उनको अधिकार नहीं होगा। तीसरा ये है कि कोई भी संबंध कॉलेज होते हैं जिनको बार काउंसिल ऑफ इंडिया या मतलब उनको मान्यता देती है, तो अब उनके अधिकार छीने जा रहे हैं कि अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान या जहाँ जहाँ की भी बार काउंसिल बनी हुई है उनको अधिकार ना होके जो जुडिशरी है उनको अधिकार होगा। तो इस तरह से ये कुछ एडवोकेट्स के हमारे अधिकारों का हनन है। तो इसको लेके एक तो उग्र आंदोलन बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से आह्वान किया गया है, जिसमें एक दिवसीय आज रखा गया था और पूरे इंडिया में आज आगे की रणनीति तैयार करने के लिए कि आगे इसको उग्र रूप दिया जाएगा। अगर बातचीत से या हमारे जो अधिकार हैं एडवोकेट एक्ट्स में दे रखे हैं, अगर उनका हनन रोका नहीं जाता है तो आगे फिर 1 अक्टूबर से इसको हड़ताल को और उग्र रूप दिया जाएगा। अब देखते हैं, अगर बातचीत से सुलझ जाता है तो ठीक है, वरना 1 अक्टूबर से तो पूरे इंडिया में हड़ताल रहेगी।